बुरे समय के लिए तैयार रहो और इस लाइन को कहीं ना कहीं सेव कर लो। इस लाइन को सेव किस तरीके से करनी है तुम्हें कि इतना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कहीं पे भी अपने वॉल में चिपका लो, सॉरी लिख लो, या कहीं पे जो करना कर लो, इस लाइन को नोट कर लो कि बुरे समय के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर हंस के रेडी नहीं हो तो रो के रेडी रहना पड़ेगा। आज तुम्हारी ज़िंदगी में, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, नौकरी है, पैसा है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है। एक टाइम ऐसा आएगा, भगवान ना करे आए, लेकिन आता है, एक टाइम ऐसा आएगा ये सारी चीज़ें यू टर्न मारेंगी। यू टर्न का मतलब क्या होता है, सब ये जो पॉजिटिव जा रहा है ये सब नेगेटिव हो जाएगा। एक महीने में, एक साल में, एक दिन में ज़िंदगी इस तरीके से चेंज होती है कि तुम्हें पता भी नहीं रहेगा। इसलिए उस चीज़ को तो हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, हम लोग ना, हम ना तुम, कि क्या होने वाला है वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि जो होगा वो होगा। अपने कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो अपने कंट्रोल में तुम्हें लेनी है। कैसे? सबसे पहली चीज़, जब तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको यार इस बेसिस पे किया करो कि आखिरी भर्ती है ये, दोबारा भर्ती नहीं आएगी। हर चीज़ में थोड़ा सा डर शामिल करोगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे? जब भी तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस एग्जाम के प्रिपरेशन में जब तुम्हारा मन ना लग रहा हो तो खुद को एक ये सिग्नल दिया करो कि अगर ये भर्ती क्लियर नहीं करी हमने तो आगे आने वाली आगे भर्तियां आनी ही नहीं है, ये आखिरी भर्ती चल रही है, इसके बाद हमें कोई एग्जाम नहीं मिलेगा देने के लिए। अब जब ये डर तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा तो तुम्हारे पास जितना टाइम लगेगा बचा होगा तुम जान झोंक दोगे अपनी, ठीक है। इसी तरीके से जब तुम पैसे खर्च कर रहे हो तो उसको इस तरीके से खर्च करो कि ये आखिरी रुपए है, अगर इसके बाद कोई भी लाइफ में दिक्कत आती है तो उसके बाद मेरे पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, हम तुम्हें डराने की कोशिश कर क्यों रहे हैं? हम तुम्हें डरा इसलिए रहे हैं क्योंकि जितनी भी चीज़ें तुम कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें तुम मौज मस्ती में आज निकाल ले रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हें, ये सारी चीज़ें तुम्हें आगे जाके बैकफायर करेंगी। इसलिए आज से ही, अगर तुम्हारा अच्छा टाइम है, अगर आज से तुम्हारा अच्छा टाइम चल रहा है, तो इस अच्छे टाइम को तुम सेव करके चलो, इस अच्छे पैसे को तुम सेव करके चलो अपने बैड टाइम के लिए। अच्छे टाइम में कैसे तैयार करोगे ये समझते हैं। सबसे पहली बात, पैसा। तो अगर आज तुम 10 लाख रुपये महीना कमा रहे हो और तुम्हें ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सर्टेनिटी नहीं है कि तुम 10 लाख महीने कमाते ही रहोगे, तो 90% अपना सेव करते चलो, सिर्फ 10% में अपना गुजारा करो, जैसे भी चलता है चलने दो, 90% अपना सेव करो या फिर इन्वेस्ट करो, वो तुम्हें जो भी करना उस पैसे से पैसा बनाना है, ठीक है। बाकी का जो 10% है वो अपने खर्चे के लिए रहेगा। इससे क्या होगा, आगे जाके जब तुम्हारे पास कोई क्राइसिस आता है इकोनॉमिकल, तो उसमें क्या होगा, तुम तैयार रहोगे, तुम रेडी हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सेविंग है। लेकिन अगर तुम्हारा जो अभी अच्छा समय चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, तो अपने दिमाग में एक चीज़ ये फीड कर लो कि ये टेम्परेरी है। ये चीज़ तुमने अगर सीख ली कि ये चीज़ टेम्परेरी है, जो भी अभी चल रही है ये परमानेंट नहीं रहने वाली है, यकीन मानो तुम्हें कभी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होगी। टेम्परेरी का मतलब क्या है, अगर आज तुमने एग्जाम निकाला है तो ये जो खुशी है ये टेम्परेरी है, अगर जो जो पैसे मिलेंगे वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो अभी जो तुरंत का एक्साइटमेंट है कि PDF में नाम आया है, लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या है, टेम्परेरी है एक चीज़। लेकिन अगर वही चीज़ तुम ये समझ जाओगे कि ये जो टेम्परेरी है यही परमानेंट है, मत समझ रहे हो कि जो चीज़ें आज है वो कल नहीं रहेंगी, यही टेम्परेरी और यही चीज़ परमानेंट है, तो इससे क्या होगा कि जब तुम्हारे टाइम में नेगेटिव चीज़ें आएंगी, मतलब कि जब आगे चल के तुम्हारा टाइम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तब तुम्हें ये पता रहेगा कि ये टेम्परेरी है, ये भी टाइम चला ही जाएगा। ये है सबसे बेहतरीन तरीका लाइफ टाइम खुश रहने का। लेकिन अगर तुम आज के टाइम को दिल पे लेके बैठे हो कि ये चीज़ें मेरे साथ लाइफ टाइम रहेंगी, ये चीज़ें हम लाइफ टाइम इन्जॉय करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, और ये चीज़ें अगर तुम इस तरीके से सोच रहे हो तो तकलीफ में रहोगे लाइफ टाइम। तो ये मेरी एक पीस ऑफ एडवाइस है जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। आज की चीज़ों को टेम्परेरी मान के चलो और बुरे समय के लिए रेडी रहो। राम राम।